साथियों, आपने गोहाना में गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौता एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर पिछले 2 साल से लाइट नहीं है। विद्यार्थी बिना लाइट के कॉलेज में कक्षाएं लगा रहे हैं। आप तापमान देख रहे होंगे कि तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच में है, लेकिन अभी तक इस कॉलेज में, बड़ौता कॉलेज में, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जब प्रशासन को इस बात के बारे में अवगत कराया गया तो प्रशासन कह रहा है पिछले 1.5 साल से यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है, वो जला हुआ है, इसी कारण यहाँ पर लाइट नहीं है। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। पिछले 2 साल से यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि समरसिबल खराब हुए पड़े हैं, जो ऊपर टंकी है वो टूटी पड़ी है। बच्चों आपस में कलेक्शन करके, टीचर्स कलेक्शन करके पानी के कैंपर यहाँ पर भरवाते हैं। 2-3 कैंपर पूरे दिन में स्टार्टिंग में भरवा देते हैं, तो वो 1-2 घंटे के बाद वो कैंपर भी खत्म हो जाते हैं। तो ये विद्यार्थी यहाँ पर जो शहर से दूर इस कॉलेज में आते हैं, तो काफी प्रताड़ित हैं, काफी परेशान हैं। तो इन विद्यार्थियों की मुंह जुबानी इनसे आप इनके कॉलेज की समस्याओं के बारे में अभी जानेंगे। 1 साल से यहाँ पर ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था और 1 साल से उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया और ना ही हमें बिजली दी जाती है। पूरे दिन में लगभग 10-15 मिनट के लिए बिजली आती है और यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। और 3-4 कैंपर ही आते हैं और फिर भी गिर जाते, तो बेचारे बच्चे जो अपनी बोतल लेके आते हैं साथ पानी के पीने के। कॉलेज के शौचालय की सफाई पर भी यहाँ पे कोई विशेष प्रबंध नहीं है और ना ही कोई विद्यालय में सफाई को लेकर कोई खास प्रबंध है सफाई को। अभी जैसे इन विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, इन्हीं समस्याओं को लेकर हम अभी प्राचार्य महोदय से मिले हैं और प्राचार्य महोदय को हमने 1 सप्ताह का समय उनसे दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन विद्यार्थियों की सबसे जो मूलभूत समस्याएं हैं और उनका समाधान होना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से पानी, बिजली और सफाई की समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं अगर 1 सप्ताह में इनका समाधान नहीं होता तो CYSS प्रदेश भर के छात्र नेता इस कॉलेज में एकत्रित होकर और प्रशासन के विरुद्ध जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, हम विद्यार्थियों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।